अपराधियों ने छला बिहारी के घर पर जमकर गोलीबारी की है। मामला खगड़िया जिले के गोगरी थाना क्षेत्र के पोड़ा ओपी का है। परिजनों के मुताबिक अपराधियों ने पुराने विवाद में कई राउंड फायरिंग की। वारदात के बाद से छैला के परिवार वाले काफी दहशत में हैं। छैला बिहारी के भतीजे शुभ कुमार की माने शुभम की माने तो पौड़ा पंचायत के मुखिया पति ने वारदात को अंजाम दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से कई खोखे बरामद किए हैं, मोबाइल फोन जब्त किया है। परिजनों ने थाने में लिखित शिकायत दी है। फिलहाल पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। मैंने एसपी साहब को कहा कि हम कलाकार हैं, गोली नहीं चला सकते उसके साथ, तो आप लोगों का सहयोग चाहिए। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि आप बेफिक्र होकर जाइए, कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। लेकिन फिर आते हैं तो वही बात, हर एक दो महीना बाद लोग जाता है, धमकी देता है, गाली गलौज करता है, मार देंगे, ये कर देंगे। और हमको तो शक है कि हमको भी कभी नीतीश कुमार वगैरह से कोई मुलाकात हुई जिसमें आप लोग कलाकार हैं, बिहार के जाने माने पुराने कलाकार रहे हैं? नीतीश कुमार जी से हम इस मुद्दे पे मैंने कभी बात नहीं की है। मुझे लगता था कि मैं, लेकिन एसपी से, डीएसपी से, डीएम से, अपने थाना प्रभारी सबसे मिलता हूं कि क्या करें हम लोग को कौन सहारा देगा। नहीं नहीं आप बेफिक्र होकर जाइए, हम लोग है नया, लेकिन कुछ भी नहीं करता, सब उन लोगों के साथ खड़ा रहता है। हम लोग फसल बोते हैं, वो फसल काट के लेके चला जाता है। अब इसको क्या बोलेंगे आप, सुशासन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ये 10 वर्षों से सिलसिला चल रहा है, डीसीएलआर ने डिग्री दे दिया हमारे फेवर में, इसके बावजूद फसल बोते हैं हम लोग, काट के जाता है वो लोग। ठीक, अभी आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ये सब क्या हो रहा है। मैं जानता हूं मुख्यमंत्री जी भी इस पर कुछ नहीं लेंगे, कलाकार को तो देखते ही नहीं, उनके उनके दिमाग में कलाकार और खिलाड़ी कुछ होता ही नहीं। बिहार में सबसे ज्यादा दुर्गति कलाकारों की है और खिलाड़ियों की है। आज तक यहां ना तो कोई खिलाड़ी पैदा हुआ, और कलाकार भी जो जीते हैं वो दर्शक में जीते हैं किसी तरह से। हमारे कार्यक्रम को परमिशन नहीं दिया जाता है, पता है? मतलब 10 जगह लोग प्लान करते हैं तो 2 जगह परमिशन मिलता है, बाकी जगह कैंसिल कर दिया जाता है कि नहीं कौन इतना भीड़ संभालेगा। अब ये कह के तो हम लोग कहां जाए, हम लोग कैसे जिएंगे? दबंग लोग हमारी जमीन कैप्चर कर लेंगे, वो हमको फसल नहीं काटने देंगे। हम प्रोग्राम के बारे में आपसे परमिशन मांगा जाएगा, एसपी से परमिशन मांगा जाएगा, तो उसको परमिशन नहीं दिया जाएगा। ये सरकार का जितना कार्यक्रम होता है, वो सरकार हम लोग को कार्यक्रम देगी नहीं कि छैला बिहारी के नाम से, अफलाने के नाम से बहुत भीड़ होती है, तो हम लोग कैसे जिएंगे? मुख्यमंत्री जी बताएं हम लोगों को। ये लोग का कहना हुआ कि ये जांच सुशील बिहारी करवाता है, इसको जान से मरवा दो या जहां मिले उसको मारो। रात में सर 11 बजे 10-20 आदमी से आया, गोली फायर करते हुए 10-20 राउंड फायरिंग किया और आया, सबको राइफल के बट से मारा। मुखिया और उनके प्रतिनिधियों के बीच बातावाती हुई, इसका इसके पक्ष को लेके एक दूसरे में वाद विवाद हुआ तथा हल्की मारपीट हुई है। और घर से 100 मीटर की दूरी पर फायरिंग की आवाज सुनी गई थी, जिसकी जांच चल रही है कि कौन किस पक्ष के द्वारा फायरिंग किया गया है। तो अभी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से छैला बिहारी जी मीडिया से बात करते हुए भावुक हो गए, उनकी आंख से आंसू निकल आए। उन्होंने कहा कि उनकी कोई सुन नहीं रहा है, लगातार हर एक दो महीने पर उनके घर पर या तो हमला होता है या धमकी दी जाती है जान से मारने की, उसके बावजूद तमाम शिकायतें की गई हैं पुलिस अधिकारियों के पास, फिर भी कोई नहीं सुन रहा। उन्होंने कहा कि एसपी से, डीएम से, डीएसपी से सबसे मुलाकात कर चुके हैं, अपनी समस्या बता चुके हैं। सरकार से अपील करते हुए छैला बिहारी कि सरकार इसमें कुछ कार्रवाई करे, और जो लोग, जो दबंग उन्हें परेशान कर रहे हैं, उनका यह कहना है कि वो अपनी खेत में फसल लगाते हैं और वो फसल उपजाते ये हैं और फसल काट कर दबंग लेकर चले जाते हैं। कुछ हैं इलाके के दबंग हैं जो उनकी फसल काट कर ले जाते हैं। इन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जो आरोपी हैं उनके साथ पुलिस खड़ी नजर आती है, और एक मुखिया जो है उनके परिजनों पर, उनके घर वालों पर आरोप लगा है। मुखिया अशोक यादव पर आरोप लगा है कि उनके गुर्गों ने ही यह गोलीबारी कराई है। तो एक बड़ा मामला, एक बड़ा आरोप लोक गायक छैला बिहारी की तरफ से लगाया गया है। यह जो घटना है खगड़िया में हुई है, खगड़िया में अपराधियों ने भोजपुरी लोक गायक छैला बिहारी को निशाना बनाया है, उनके घर पर हमला किया गया है, कई राउंड फायरिंग की गई है उनके घर पर, जमकर गोलीबारी की है बदमाशों ने, अपराधियों ने।
मामला जो है खगड़िया जिले के गोगरी थाना क्षेत्र का है, पोड़ा ओपी का। परिजनों के मुताबिक अपराधियों ने पुराने विवाद में कई राउंड फायरिंग की है। वारदात के बाद से छैला के परिवार वाले काफी दहशत में हैं। छैला बिहारी के भतीजे शुभम कुमार की माने तो पौड़ा पंचायत के मुखिया ने वारदात को अंजाम दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से कई खोखे और मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। लिखित शिकायत भी दे दी गई है। छैला बिहारी को अभी आप सुन रहे थे कि उन्होंने जी मीडिया से बातचीत में काफी ज्यादा भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि वो लोग डर डर कर जी रहे हैं क्योंकि कोई सुन नहीं रहा है और लगातार ये पिछले काफी समय से मामला चल रहा है। एक बार फिर से सुनिए जरा कि जी मीडिया से बातचीत में क्या कहा छैला बिहारी ने। मैंने एसपी साहब को कहा कि हम कलाकार हैं, गोली नहीं चला सकते उसके साथ, तो आप लोगों का सहयोग चाहिए। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि आप बेफिक्र होकर जाइए, कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। लेकिन फिर आते हैं तो वही बात, हर एक दो महीना बाद वो लोग जाता है, धमकी देता है, गाली गलौज करता है, मार देंगे, ये कर देंगे, और हमको तो शक है कि हमको भी। नीतीश कुमार वगैरह से कोई मुलाकात हुई जिसमें कोई आप लोग कलाकार हैं बिहार के जाने माने पुराने कलाकार हैं? नीतीश कुमार जी से हम इस मुद्दे पे मैंने कभी बात नहीं की है। मुझे लगता था कि मैं, लेकिन एसपी से, डीएसपी से, डीएम से, अपने थाना प्रभारी सबसे मिलता हूं कि क्या करें हम लोग को कौन सहारा देगा। नहीं, आप बेफिक्र होकर जाइए, हम लोग है ना, लेकिन कुछ भी नहीं करता, सब उन लोगों के साथ खड़ा रहता। हम लोग फसल बोते हैं, वो फसल काट के लेके चला जाता है। अब इसको क्या बोलेंगे आप, सुशासन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ये 10 वर्षों से सिलसिला चल रहा है, डीसीएलआर ने डिग्री दे दिया हमारे फेवर में, इसके बाद भी फसल बोते हैं हम लोग, काट के जाता है वो। अभी आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ये सब क्या हो रहा है। ऐसे मैं जानता हूं मुख्यमंत्री जी भी इस पर कुछ नहीं लेंगे, कलाकार को तो देखते ही नहीं, उनके दिमाग में कलाकार और खिलाड़ी कुछ होता ही नहीं। बिहार में सबसे ज्यादा दुर्गति कलाकारों की है और खिलाड़ियों की है। आज तक यहां ना तो कोई खिलाड़ी पैदा हुआ, और कलाकार भी जो जीते हैं वो दहशत में जीते हैं किसी तरह से। हमारे कार्यक्रम को परमिशन नहीं दिया जाता है, पता है? मतलब 10 जगह लोग प्लान करते हैं तो 2 जगह परमिशन मिलता है, बाकी जगह कैंसिल कर दिया जाता है कि नहीं कौन इतना भीड़ संभालेगा। अब ये कह के तो हम लोग कहां जाए, हम लोग कैसे जिएंगे? दबंग लोग हमारी जमीन कैप्चर कर लेंगे, वो हमको फसल नहीं काटने देंगे। हम प्रोग्राम के बारे में आपसे परमिशन मांगा जाएगा, एसपी से परमिशन मांगा जाएगा, तो उसको परमिशन नहीं दिया जाएगा। ये सरकार का जितना कार्यक्रम होता है, वो सरकार हम लोग को कार्यक्रम देगी नहीं कि छैला बिहारी के नाम से, अफलाने के नाम से बहुत भीड़ होती है, तो हम लोग कैसे जिएंगे? मुख्यमंत्री जी बताए हम लोगों को। तो काफी ज्यादा भावुक भी हैं और नाराज भी हैं छैला बिहारी की, आखिर सरकार या पुलिस कोई सुन ही नहीं रहा उनकी बात को, लगातार परिवार को धमकी दी जा रही है। पिछले कई महीनों से यह चल रहा है कि कुछ दिन रुकते हैं, फिर उसके बाद अपराधी हमला करते हैं। और इस वक्त लोक गायक सुनील कुमार, जो छैला बिहारी के नाम से जाने जाते हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं जी बिहार झारखंड के साथ। सीधा रुख करेंगे उनके पास और बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है। छैला बिहारी जी, जरा पहले ये बताइए कि ये मामला जो ये विवाद है, ये किस बात के लिए है? क्योंकि पुलिस भी, अभी हम बयान सुन रहे थे, पुलिस कह रही है कि ये पुराना आपसी विवाद है दो गुटों के बीच। मैंने तो टीवी न्यूज में ही सुना कि वो मनरेगा का कोई घोटाला हुआ है, जो शक है इनको कि हमारे परिवार के लोगों ने या हमारे छोटे भाई ने शायद ऐसा घोटाला उजागर किया, तो इसलिए वो मैंने टीवी से सुना। मुझे तो रात में इतनी जानकारी मिली टेलीफोन के माध्यम से कि रात को ये लोगों ने अटैक किया राइफल बंदूक के साथ, और जान से मारने का ही प्लान था। लेकिन ये यहाँ पे हम मानते हैं कि पुलिस की थोड़ी तत्परता थी, क्योंकि ये लोग पहले धमकी दे के गया, धमकी दे के गया तो बोलता है मैं अभी आप बताता हूँ, और उसमें मुखिया खुद थे। मुझे बहुत आश्चर्य है इस बात के लिए कि जो हमारे मुखिया हैं माननीय अशोक यादव जी, वो खुद जाके धमकी दिए, और उसके बाद 5 मिनट बाद वो लोग आर्म्स लेके पहुंच गए। लेकिन इन लोगों ने पुलिस को फोन कर दिया था, जिससे कि जैसे ही लोग मारपीट शुरू किया, लूटपाट शुरू किया, तुरंत पुलिस आ गई, तो ये लोग वहीं पे पुलिस को देख के सब भागे हैं। तब वहां पे इन लोगों का खोखा वगैरह बरामद हुआ है, मोबाइल वगैरह बरामद किया गया है।
तो रात में आप कह सकते हैं कि पुलिस अगर मैं ये कह रहा हूं ना कि अगर वो मुखिया का ही परिवार है और मुखिया खुद थे तो उनकी आपके परिवार से नाराजगी क्या है? मनरेगा को लेकर जो शिकायत है उस बात को लेकर नाराजगी है या कुछ पुराना विवाद है जैसा कि पुलिस कह रही है कि कुछ पुराना विवाद है? नहीं, पुराना विवाद जो पुलिस कह रही है ना वो अलग मैटर है कि हमारे जमीन को कुछ दबंगों ने कैप्चर किया हुआ लगभग 10 सालों से, वो केस वेस भी चल रहा है, उसमें DCLR का डिसीजन आ गया मेरे पक्ष में, लेकिन फिर भी हम लोग जाके फसल बोते हैं और वो लोग काटता है और उसमें पुलिस कुछ नहीं हम लोग को हेल्प कर रही है। मैं SP से बात कर चुका हूँ, इसके पहले जो SP थे माननीय अनिल कुमार जी उनसे भी मैं बात कर चुका हूँ और अभी जो SP माननीय मीनू जी हैं उनसे भी मैं बात कर चुका हूँ। पुलिस का सहयोग हम लोग को नहीं मिलता है, हम लोग जमीन पे फसल बोते हैं और वो लोग काट के लेके जाता है, वो अलग मामला है। नहीं, अलग मामला, 2 महीना पहले मामला है, लेकिन क्या वो विवाद हो सकता है कि इस वजह से हमला हो रहा हो? नहीं, ये हो सकता है कि जैसे कि वो एक मामला है और ये भी मामला है, उनको लगता हो कि इनको इतना प्रताड़ित करो कि ये लोग घर छोड़ के भाग जाए और सब जमीन में हम लोग कैप्चर कर लें। ये जमीन का विवाद भी वही मुखिया परिवार से ही है? नहीं, जमीन का विवाद डायरेक्ट मुखिया परिवार से नहीं है, लेकिन अब एक दूसरे को सहयोग करते होंगे तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, क्योंकि मैं तो मुंबई रहता हूँ, कभी कभी गाँव जाता हूँ जी, तो इन लोगों का आपसी मिलन होगा, आपस में कुछ गठबंधन होगा, अलग मैटर है, मुझे नहीं इस बात की जानकारी है। लेकिन अभी जो मुखिया, मैं तो रात को खुद ही नहीं समझ पाया कि मुखिया ने क्यों अटैक किया। मैंने अपने घर वाले को डांटा, भतीजा वगैरह को, भाई को खूब डांटा मैंने, क्यों ऐसे ऐसे कैसे अटैक कर देगा। तो जब मैंने TV न्यूज में देखा कि वो मनरेगा का कुछ घोटाला उजागर किया, जो मुखिया को शक है कि इन लोगों ने किया, तो मुझे लगा हाँ ये हो सकता है कि घोटाले वगैरह तो होते रहते हैं जी, तो उसमें वो हो सकता है इन लोगों को शक हो या मेरा भाई किया हो, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि उसने नहीं किया हो, हो सकता किया हो, मैं तो गाँव में रहता नहीं हूँ। लेकिन वो पुलिस जो कह रही है ना, आप पुलिस से एक बात पूछिए कि जब पुराना मामला है और 2 महीना पहले भी वो धमकी दे के गया है घर पे कि पूरे परिवार को मार देंगे जी, तो पुलिस क्यों हाथ पे हाथ रखी बैठी? 2 दिन पहले मेरे चाचा जी का फोन आया कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है, वो लोग धमकी बार बार दे रहा है, 2 महीना पहले मेरे घर में धमकी दे के गया वो लोग, और मुझे मेरे चाचा कहते हैं कि आप कुछ नहीं करते हैं, आप कुछ कीजिए, मैं कहां जाऊं, किसको बोलूं, पुलिस के पास जाता हूं, DSP से मैं मिला हूं, SP से मिला हूं, कुछ भी वो लोग करते नहीं। तो पुलिस से पूछिए ना कि भाई पुराना मामला है तो आप उसके ऊपर जब केस है तो आप उसको ये क्यों नहीं गिरफ्तार क्यों? आपको लगता है कि पुलिस, आपको लगता है कि वाकई पुलिस नहीं सुन रही है जानबूझकर, कहीं आपके जो विरोधी हैं उनके साथ? 100% सर, मैं चैनल पे कह रहा हूं कि मेरे परिवार के साथ कोई अप्रिय घटना घटेगी तो 100% खगड़िया जिला प्रशासन इसकी जिम्मेदार होगी, खगड़िया जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि बार बार मैंने कहा ना कि मैं SP से, DM से, पुलिस वो जो DSP से सबसे मैं मिल चुका हूँ कि आप लोगों के भरोसे हमारा परिवार, हम कलाकार, हम गोली चलाने थोड़े जाएंगे। अभी जो हम बयान सुन रहे थे वो नहीं मिल रहा है, बयान हम सुन रहे थे वो आपके भाई हैं, भतीजे कौन थे वो जिन्होंने अभी बयान दिया है ये सब कुछ? क्या नाम था मैंने देखा नहीं, क्या नाम था जी, मतलब जो बता रहे थे सुशील जी, तो क्या सरकार, वो आपके भाई हैं? हाँ, सुशील बिहारी एक मेरा भाई है और रवि आनंद एक मेरा भतीजा है। तो क्या सरकार से भी कोई नाराजगी है कि लग रहा है कि कोई सरकार से भी आपकी कोई नाराजगी है? सरकार तो पूरे प्रदेश को सरकार ही चलाती है, अगर पुलिस नहीं सुनती थी कि ये तो सरकार की जिम्मेदारी हुई ना? आपने अपने स्तर पे फोन पर बात की है किसी बड़े अधिकारी से, पुलिस जी जी आपने किसी बड़े अधिकारी से बात की है इस मसले पर? मैंने कहा कि मैंने SP से, इसके पूर्व जो SP थे उनसे भी मैंने बात की थी, अभी जो वर्तमान SP हैं उनसे भी मेरी मुलाकात हो चुकी है, उन्होंने कहा था कि आपका मसला मैं खुद आपके गांव में जाऊंगी और आपका मसला सॉल्व करूंगी जी। उसके बाद DSP से मेरी बात हुई है, मैं जब भी जाता हूं खगड़िया तो एक बार सबसे मिलता हूं कि भाई मेरे लिए आप जी बिहार झारखंड के जरिए अगर कुछ अपील करना चाहते हो पुलिस अधिकारियों से या प्रशासन से, सरकार से, तो आप कर सकते हैं, आप बताएं क्या चाहते हैं। देखिए, मैं सरकार से और पुलिस पदाधिकारियों से आग्रह करना चाहता हूँ, देखिए कलाकार की फैमिली, हम किसी से गोली बारूद चलाने वाले हैं ना, हमारे घर में भी आर्म्स है, राइफल है, बंदूक है, रिवॉल्वर है, लेकिन हमारा इंस्ट्रक्शन होता है कि बिल्कुल तुम लोग नहीं निकालना,
लेकिन अब जिस तरह से ये लोग अटैक कर रहे हैं, कभी आत्मरक्षा में ये लोग गोली चला देगा तो बाद में सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि ऐसा कर दिया। लेकिन आप सोचिए कि वो आता है गांव वाला हथियार लेके, हमारे पास सब अच्छा अच्छा हथियार है, अगर किसी दिन हमारे तरफ से गोली चल गई तब क्या होगा। तो मैं पुलिस वाले को कहना चाहता हूं कि देखिए, हम कलाकार की फैमिली, हमारा इंस्ट्रक्शन होता है कि तुम लोग किसी को गाली भी नहीं दोगे, अपना आर्म्स भी नहीं निकालोगे, लेकिन पुलिस का सहयोग तो मिलना चाहिए ना। बिल्कुल, ये लोग दबंग लोग हैं, मान लीजिए मुखिया है या जो लोग भी हैं, ये लोग सब मैनेज कर लेता थाना पुलिस को। चलिए, जाहिर तौर पर उम्मीद करते हैं कि आप अगर अपील कर रहे हैं तो इसमें अधिकारी कुछ करेंगे, कोई ठोस कार्रवाई होगी और आपके परिवार को सुरक्षा भी उपलब्ध कराई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो सुनील कुमार शैला बिहारी, जो कि लोक गायक हैं, उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन कुछ सुनने को तैयार नहीं है, उनके परिवार को बार बार जान से